वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 9 के सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए थे। अब हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज एंड वी शुड हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने ये सारी एंट्रीज जो है वो दे दी थी। अब इसको करना है क्लोज। सो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है विच इज 65,000। सेम टोटल यहाँ पे पुट अप करना है 65,000। फिर क्या करना है, डिफरेंस फाइंड। इस तरफ डिफरेंस आएगा, इट मीन प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहाँ पे इसमें से ये चारों हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 46,400। 46,400 और यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है वो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में। प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। व्हाट इज द रेशियो, 5:3। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो रेशियो दिए हैं आपको, ओल्ड शेयरिंग रेशियो एंड न्यू। न्यू मीन्स दे हैव टू चेंज द रेशियो। अब हमें चेंज हम अब करेंगे, अब आने वाले जो साल होंगे उसमें चेंज करेंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन हमें कौन से रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे अगर दो रेशियो आपको दिए गए हो ओल्ड एंड न्यू, तो ऑलवेज कैलकुलेट, ऑलवेज कंसिडर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अगर न्यू के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका ये सम रॉन्ग हो जाएगा। विच रेशियो यू शुड हैव टू कंसिडर, 5:3, इट मीन्स ओल्ड रेशियो, जो वो पहले कैलकुलेट करते थे वो रेशियो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आया 46,400, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स टू पार्टनर्स हार्दिक एंड अल्पेश इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो विच इज 5:3। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा हार्दिक का 29,000 एंड अल्पेश का प्रॉफिट 17,400। क्लियर। अब ये जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट में इसलिए जाएगा क्योंकि इन्होंने जो बैलेंस शीट दी है उसमें कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। मैंने आगे बोला हुआ है कि जब कैपिटल एंड करंट बोथ अकाउंट्स आर गिवन, इट मींस दैट कैपिटल इज प्रिपेयर्ड और इज कंसिडर्ड। कौन सी कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट किसमें देने हैं, करंट अकाउंट में। तो जब भी कैपिटल एंड करंट अकाउंट बोथ अकाउंट्स आर गिवन, वी शुड ट्रांसफर द प्रॉफिट इनटू द करंट अकाउंट। सो अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसको देखते देखते क्या करना है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम ओल्ड बैलेंस शीट में असेट साइड जो भी हमने एडजस्टमेंट दिया था उसको कंसिडर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले थे 2 लाख, उसमें हमने क्या किया, इंक्रीज किया 50,000। तो 50,000 इंक्रीज करने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग की अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई, 2,50,000। ये बैलेंस शीट है आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट मींस दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी इंक्रीज डिक्रीज किया है वो यहाँ पे कंसिडर करना है। एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमने इफेक्ट दी, सेम इफेक्ट कहाँ पे देनी है, बैलेंस शीट में देनी है। अब लैंड एंड बिल्डिंग इज 2 लाख प्लस इंक्रीज 50,000, आउटर कॉलम में आ जाएगी 2,50,000। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी बैलेंस शीट में थी 80,000, उसमें से 8,000 क्या हो गई, डिक्रीज। तो अब मशीनरी की वैल्यू 80,000 माइनस 8,000 इज 72,000। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर में भी क्या आया, डिक्रीज। फर्नीचर में भी क्या किया, 4,000 डिक्रीज किया। तो फर्नीचर 40,000 माइनस डिक्रीज 4,000, आउटर कॉलम 36,000। क्लियर। देयर आफ्टर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट 60,000 एज इट इज पुट अप करना है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू ज्यादा थी बुक वैल्यू से, इट मींस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया गया था 45,000, उसमें से हमने क्या किया, इंक्रीज किया, राइट। तो 10,000 होगा इंक्रीज प्लस 10,000, 45 प्लस 10 इज इक्वल टू 55,000 आउटर कॉलम में। उसके बाद है डेटर्स। अब यहाँ पे अगर डेटर्स में क्या किया था, हमने 2100 इंक्रीज किया था, लेकिन देखो यहाँ पे दो मेथड से ये सब सॉल्व हो जाएगा डेटर वाला। अगर आप डेटर की जो मेन अमाउंट है 30,000 माइनस उन्होंने किया था 1500 कैलकुलेट कर दी थी बैड डेट रिजर्व, और आउटर कॉलम में था 28,500, दो तरह से ये इफेक्ट आप कर सकते हो। फर्स्ट इधर 30,000 लो और माइनस टोटल जो बैड डेट रिजर्व है वो टोटल माइनस कर दो, यानी कि 30,000 माइनस 3600 इज इक्वल टू 26,400। और अब क्या करो, ये जो आउटर कॉलम वाली अमाउंट है 28,500 उसमें से आप माइनस करो 2100, सेम आंसर आएगा 26,400। अगर आप पीटीआर माइनस करने से पहले की डेटर की अमाउंट ले रहे हो तो उसमें से टोटल पेडेड रिजर्व माइनस करके लिखो, या तो फिर पहले जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम वाली डेटर की अमाउंट है उसमें से डिफरेंस अमाउंट माइनस करो तो भी आंसर सेम आएगा। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज 15,000। उसके बाद है इनकम रिसीवेबल, नो चेंज, इनकम रिसीवेबल इज 5,000। एंड लास्ट में कैश बैलेंस, देयर इज नो चेंज इन कैश बैलेंस, सो एज इट इज 10,000। अब हम जाते हैं लायबिलिटी के साइड। सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट ऑफ हार्दिक एंड अल्पेश, कैपिटल अकाउंट में नो चेंज, सो एज इट इज हम पुट अप करेंगे कैपिटल अकाउंट, हार्दिक का 1,10,000, अल्पेश की कैपिटल है 90,000, आउटर कॉलम में टोटल 2,00,000। देयर आफ्टर करंट अकाउंट, अब क्या है, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में दोनों का प्रॉफिट हम करेंगे ट्रांसफर। करंट अकाउंट ऑफ हार्दिक, करंट अकाउंट हार्दिक 1,55,000 प्लस प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज 29,000, 1,55,000 प्लस प्रॉफिट 29,000, दोनों का टोटल हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, इसलिए ये इनर कॉलम में ही लिख रहे हैं 1,84,000। सिमिलरली करंट अकाउंट ऑफ अल्पेश इज 1,00,000 प्लस प्रॉफिट ऑफ अल्पेश ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज 17,400, 1,17,400, 1,84,000 क्लियर। इसके बाद है क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट में थे 35,000, क्रेडिटर्स 35,000 माइनस डिक्रीज, क्रेडिटर्स क्या हो गए थे 5,000 डिक्रीज, तो माइनस 5,000 आउटर कॉलम में 30,000। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में दिया गया है 90,000, अब इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज एडिंग टू द बैंक ओवरड्राफ्ट, सो बैंक ओवरड्राफ्ट 90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 4,500, आउटर कॉलम में 94,500। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहाँ पे दिया गया है नो चेंजेस, एज इट इज 3,500। तो ये हो गई बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले तो जो भी एडजस्टमेंट किए गए हो उस हिसाब से क्या करनी है, इफेक्ट देनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसके बाद बैलेंस शीट में। तो ये जो बैलेंस शीट है वो हो गई आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसका आप टोटल करोगे तो डेली हो जाएगा 6,29,400, 6,29,400। तो यहाँ पे ये सब जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया हो कि हाउ टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।